गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट के उपयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 4.3 भी करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमको किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हुए हैं, तीन शीर्ष कौन कौन से, मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसका शीर्ष है एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स थ्री वाई थ्री, तीन शीर्ष दिए हुए हैं। तो इसका क्षेत्र का सूत्र होता है, ये आपको ये वाला सूत्र आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका यूज करते हुए, सारणी का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यह हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष के मान दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सारणी को हल करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारणी का ये इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करना है वो उसको हम देखते हैं। कुछ इसमें रिमार्क है, इसको नोट कर लें। वैसे इसमें नोट पहला है कि क्षेत्रफल जो है पॉजिटिव होता राशि है, तो यदि सारणिक का मान नेगेटिव भी आता है तो आप इसका निरपेक्ष मान ही लेंगे। यदि क्षेत्रफल दिया हो और गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी गणना में इसका उपयोग कर रहे हैं तो सारणिक का यदि धनात्मक हो या ऋणात्मक दोनों मान का उपयोग कर सकते हैं। और यदि क्षेत्रफल का मान शून्य आता है, इसका मतलब होता है कि तीनों बिंदु जो हैं वो समरेख हैं, एक ही रेखा में। मान लो ये तीन बिंदु दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो तीनों समरेख होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल मान जो है शून्य आएगा, क्लियर। तो ये नियम है, इनको ध्यान रखिए। अब हम प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें शीर्ष के मान दिए हुए। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था आपको, 1/2 डिटरमिनेंट एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री। तो यह जो तीन एक्स वन वाई वन है इसकी जगह पर ये संख्या जो शीर्ष दिए हुए इनके मान रख देंगे, कितना मान आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 1/2 एक्स वन वाई वन, तो कितना दिया 1 0 1, 6 0 1, 4 3 1, क्लियर। अब हम इसको डिटरमिनेंट की नियम के आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड नंबर के कॉलम जो है उसमें 2 0 हैं, तो इसको यूज करना है, तो हम उसको थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 6 4, 1 1 1, 0 0 3। तो हम ये देखते हैं कि इसका मान यदि हमने कॉलम को लेकर के इसको एक्सपांड करते हैं तो पहले के साथ 0 है तो पहला इसका जो 0 हो जाएगा, दूसरा तीसरा आएगा, वन बाई टू साथ में रहेगा, इसके साथ 3 इंटू, इसके 3 के साथ
जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट कौन कौन से हैं, वन वन सिक्स वन, तो यह कितना आ जाएगा 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 − 6, तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ आ जाएगा −5, तो कितना हो गया −15/2। तो चूंकि यह निगेटिव आ रहा है तो क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है, इसका आंसर जो है वो आपका आएगा 3y यूनिट, यह इसका आंसर होगा, करेक्ट। इसी प्रकार से आप इस दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब हमको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीन शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी, और हमको ये दिखाना है कि समरेख है, तो समरेख के लिए हमको क्या दिखाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको क्या दिखाना होगा, शून्य दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, यह शो करना है। हम शो करेंगे, ठीक है। तो अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, इसके सी से लिखिए ए बी प्लस सी, वन बी सी प्लस ए वन सी ए प्लस बी वन। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसके वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहां कितनी वैल्यू आएगी, बी प्लस सी, सेकेंड कॉलम सेम रहेगा, तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल देंगे, तो यहां क्या बचेगा, वन वन वन, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम तथा थर्ड कॉलम कैसे हैं, समान है। अगर दो कॉलम या दो पंक्ति समान होती हैं तो सारणिक का मान कितना हो जाता है, तो सारणिक कॉलम शून्य होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यह सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, और ये कितना आ गया 0, और सारणिक का मान 0 है, आता है तीनों शीर्ष समरेख है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब हमको ये शीर्ष दिए हुए हैं, इसमें हमको के की वैल्यू निकालना है, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 इकाई, तो यहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होता है। तो यहां पर दिया क्या है, क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि 1/2 x1 y1 कितना है, के 0 1 4 0 1 0 2 1, इसका मान कितना दिया हुआ, 4,
इसको सॉल्व करके हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, 1/2 को यहाँ ले जाए और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम माइनस बाहर निकाल देंगे और इस कॉलम को पहले कॉलम में कन्वर्ट बदल देंगे। तो 0 0 2, ए 4 0 1 1 1, और 2 यहां चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 × 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉलम को के माध्यम से एक्सपांड करते हैं हम। तो पहला कॉलम का पहला पॉइंट 0 है, दूसरा 0 है, तो यहां आ जाएगा -2, और इसके साथ इसका जहां पर 2 है वह कॉलम और वह रो छोड़ देंगे, तो यहां बचेगा K1 4 1 इक्वल 8। अब यहां पर इसका मान आता है -2 × K × 1, के -4 इक्वल 8। के -4 इक्वल कितना हो जाएगा, -16। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 + 4 इक्वल -12। यह इसका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लें। अब हमको इस फोर्थ में 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हमको सारणिक का प्रयोग करके इसमें 2 शीर्ष दिए हुए हैं, वो मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ ऐसा देखना कि तीसरा बिंदु लेके चलना है और तीसरा बिंदु इन 2 बिंदुओं के साथ रेखा बनाता है। तो तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं एक्स वाई है, और यह रेखा के लिए क्या, अगर 3 बिंदु अगर एक रेखा पर हो तो क्या होता है, सारणिक 0 होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहां पर हमने जैसे एक रेखा लेके चल रहे हैं, तो एक बिंदु है आपका एक्स वाई, दूसरा बिंदु है 1 2, और तीसरा बिंदु है 3 6। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्र 0 होता है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्र कितना होगा, 0। तो यदि हम अब इस त्रिभुज के क्षेत्र का सूत्र लगाएंगे, 1/2 x y 1, 1 2 1 3 6 1, इसका मान कितना आना चाहिए, 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 0 में चला जाएगा, तो x के साथ क्या आएगा, 2 1 6 1, y के साथ क्या आएगा, 1 3 1 1, प्लस 1 के साथ क्या रहेगा, 1 2 3 6 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो हम देखते हैं x, x के साथ आप इसको सारणिक को हल करेंगे तो 2 × 1 2, -6, -y 1 -3, +1 6 - 6 इक्वल 0। इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4x, और ये हो जाएगा आपका -2 +2y इक्वल 0। तो यह आपका सरल रेखा का समीकरण आ गया, क्योंकि हमको आंसर में रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लें और इसी प्रकार से दूसरा हल करने की भी कोशिश करें। थैंक यू।